दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज कुछ अलग टाइप का वीडियो होने वाला है। हमेशा आप देखते हैं कि मैं बिजनेस आइडियाज़ रिलेटेड या प्रॉपर्टी के बारे में या जगह जगह के बारे में कुछ नई चीज़ें आपको दिखाते रहता हूं। थोड़ा सा आज अलग वीडियो होने वाला है, एक स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पूरा मकान। एक हमारे मित्र हैं जो फॉरेन में दोहा कतर में अभी वो एक 5-स्टार होटल में सेफ हैं और ये इंडिया में ताज जैसे होटल में काम कर चुके हैं। होटल मैनेजमेंट किए हुए थे और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि जॉब के अभाव में, रोज़गार के अभाव में हमारे यहाँ के बहुत से प्रतिभाओं को बाहर जाना होता है। तो वो पहले इंडिया में काम किए और अच्छे पैसे के लालच में विदेश जाना पड़ा उनको। ये पूरा मकान पहले दिखाते हैं, उसके बाद पूरा स्टोरी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं उनका मकान है और यहाँ पे बोर्ड आप देख सकते हैं, अंगद राय जी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है और यहाँ के केयर टेकर हरे राम पांडे जी हमारे साथ हैं। आपका कहाँ पे घर हुआ है यहाँ पे? गरिया खाल राजापुर बाजार, गोपालगंज के एक छोटे सा बाजार है राजापुर, जो यूपी के बॉर्डर के पास है। और यहाँ पे बगल में गरिया खाल एक गाँव है, वहीं के रहने वाले हैं पांडे जी और यहाँ के केयर टेकर हैं। पहले मकान दिखाते हैं, ये पूरा उन्होंने बनवाया है, अभी दोहा कतर में हैं वो। और ये देख सकते हैं ये फ्रंट हो गया आपको 1818 फीट है फ्रंट इसका और 60 फीट इसकी लंबाई है। अंदर थोड़ा सा आवाज़ गूंजेगा, इग्नोर कीजिएगा इसको। ये स्पेस दिखाएं, थोड़ा सा अंदर जाएं, अंदर दिखाएं। ये पूरा हॉल है और इस तरह से ही डिज़ाइन किया है इन्होंने पूरा हॉल, नीचे में ये बेसमेंट और इसके बाद से थोड़ा सा इधर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। ये नीचे का हो गया, 3 फ्लोर उन्होंने बनवाया है। एक तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, एक हॉल ये है। सब सारे फ्लोर 1100 स्क्वायर फीट है। ये देख सकते हैं, इधर दिखाएं थोड़ा सा, ये भी 1100 स्क्वायर फीट है। पीछे में स्पेस और बाथरूम इसमें भी है। ऊपर आ जाएं, अब इधर आ जाएं। इस घर को विदेश में रहते हुए वहीं पर रह के उन्होंने ये सब बनवाया है, डिज़ाइन करवाया है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है उनका, या था बोल सकते हैं, पहले बिजनेस प्लान था। आगे में थोड़ा सा स्पेस ये बढ़ जा रहा है, पीछे में एक रूम है यहाँ पे, इधर आ जाएं। ये रूम है एक ऑफिस वगैरह के लिए या सेपरेट रूम, छोटा सा रूम है, बगल में बाथरूम है और उसके ऊपर में छत है। ऊपर चलते हैं फिर आपको बात करते हैं, क्योंकि नीचे आवाज़ गूंजेगी तो ऊपर चल के पूरा बात करते हैं हम लोग। ये राजापुर बाजार है, एक छोटा सा मार्केट है और इसके जस्ट बगल में, इस बिल्डिंग के जस्ट सामने एक छोटा सा मॉल है। मैं दिखाता हूँ ऊपर से आपको, पीछे में ये पूरा मार्केट है और इधर थोड़ा सा सामने दिखाएं, ये मॉल जो हम बता रहे थे कि एक छोटा सा मॉल भी है इसके आसपास। और यहाँ से यूपी 5 किलोमीटर पड़ जाता है, तो यहाँ से यूपी वगैरह कुशीनगर जिला का बॉर्डर होता है तो ये कवर हो जाता है यहाँ से। एक्चुअली ये बिल्डिंग बना था, पूरी कहानी बता रहे हैं आपको, ये हमारी उनसे बहुत दिनों से बात चल रही थी। वीडियो देख के काफ़ी इंस्पायर थे और काफ़ी दिनों से कुछ इंडिया में, अपने बिहार में कुछ करना चाहते थे, यहाँ पे कुछ ऑफिस या कुछ मॉल टाइप का या होलसेल का काम करना चाहते थे। काफ़ी दिनों से पैसा बढ़िया कमाया उन्होंने बाहर में। ये बिल्डिंग तैयार हुआ, सब कुछ काम हुआ, ये पूरा आपने देखा गोडाउन टाइप का, उसी टाइप से बनाया गया कि इसमें गोडाउन रखा जा सके। यहाँ से यूपी कवर हो जाएगा, बिहार के बहुत सारे क्षेत्र कवर हो जाएंगे, इसलिए इस जगह को चुना गया। लेकिन फ़िलहाल मजबूरी बस वो इंडिया शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो काफ़ी इन्वेस्ट हुआ यहाँ पे, सब पूरी फैमिली उनकी बाहर है, सब कोई वहाँ बाहर में ही है। यहाँ पे बस बिल्डिंग बना के और पांडे जी यहाँ पे देख रेख करते हैं यहाँ के सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी दिनों से परेशान थे इस जगह को लेके कि भाई हम तो अब नहीं आ पा रहे हैं इंडिया। बहुत कोशिश किया हम लोगों ने कि भाई इंडिया में आके कुछ काम किया जाए, कुछ यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार जनरेट किया जाए, कुछ यहाँ के लोगों के लिए ऐसा बिजनेस हो कि भाई कुछ लोग उसमें इंगेज हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। अब ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है, मजबूरी बस ये अब आपसे कहना पड़ रहा है कि अब वो इंडिया अभी फ़िलहाल 2-3 सालों तक नहीं दिख रहा है कि आ पाएंगे यहाँ पे। पूरी फैमिली बाहर है, सब कुछ वहीं पे है, वहीं पे सब कुछ काम अच्छा चल रहा है और कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जो वहाँ से छोड़ के नहीं आ पा रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से बाहर में जो पोस्टर लगाया मैं वो स्क्रीन पर दिखाऊँगा, आप देखेंगे ये जगह अब रेंट के लिए अवेलेबल है। वो चाहते हैं कि इसको किसी को, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो यहाँ पे कुछ होलसेल का काम कर सके, कुछ मॉल वगैरह या कुछ इस टाइप का बिजनेस करे जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके सस्ते में। उन्हें ये चीज़ें रेंट पे दिया जाएगा कि ताकि एक छोटा सा रेंट भी आता रहे और इस जगह को भी जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद भी पूरा हो सके।
तो अगर कोई इस लोकेशन में, गूगल मैप का लोकेशन मैं यहाँ के दे दूंगा, इस लोकेशन में अगर आप में से कोई इस जगह को लेना चाहता है, कुछ उस तरह का बिजनेस करना चाहता है कि भाई जिससे रोजगार जनरेट हो, तो वो सीधे कॉल करके बात करेंगे और रेंट की चिंता नहीं करेंगे। रेंट बिल्कुल ऐसा रेंट उन्होंने बोला है कि हमारी बात होगी तो रेंट हम ऐसे रखेंगे कि भाई जिससे हमारा भी कुछ निकल जाए और उनको भी ज़्यादा ना लगे। तो अगर इस जगह पे कुछ बिजनेस प्लान, अगर इस एरिया में आप चाहते हैं, कुछ इस टाइप का आपके दिमाग में है, तो इस जगह को आप रेंट पे ले सकते हैं। पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सीधे कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उसके लिए पूरी जानकारी। अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो पांडे जी यहाँ रहेंगे, मैं पांडे जी का भी नंबर दे दूंगा आपको, ये विजिट करा देंगे, जगह दिखा देंगे आपको। तो बाकी मैं चाहूँगा कि जिसको भी इस तरह की ज़रूरत हो शेयर करें और उन तक ये वीडियो पहुँचा दें, ताकि इस तरह इस जगह का सदुपयोग हो सके और कोई यहाँ पे बिजनेस कर सके। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।